भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर जयपुर प्रवास पर हैं। इस दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में विभाग की से उन्होंने जवाब दिया। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर भी उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक दो दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इधर मंडावा खिवसर की उन्होंने कहा कि मुझे जानकारी कुछ खास नहीं है, लेकिन मंडावा की हार का विश्लेषण हो। एक्सक्लूसिव बातचीत की है संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर साहब हमेशा दीपावली नवरात्रा अपने गांव में ही मनाते हैं और इस बार भी दीपावली अपने लोगों के बीच में मनाई। इस दौरान एक दिन के लिए वो जयपुर भी आए हैं और जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और आम लोगों से मुलाकात भी की है। हम बातचीत करते हैं माथुर साहब से। माथुर साहब से बातचीत करने का उद्देश्य आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के प्रभारी रहे हैं और महाराष्ट्र में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम फहराया, लेकिन जब आप प्रभारी थे उस तरीके से जो उम्मीद थी कि एक आपका भी दौर था, क्या कहां कुछ कमी रह गई? नहीं, कमी नहीं रहती है। हर चुनाव की एक अपना आप में अलग साइंस होती है। पिछली बार क्योंकि हम 35-40 वर्षों से छोटे भाई थे, जब मैं प्रभारी बन के गया तो स्वाभाविक मुझे समय मिला और शिवसेना की इतनी डिमांड थी कि वो समझौता के वे हो नहीं सकता था, तो बीजेपी अलग लड़ी, शिवसेना अलग लड़ी और निश्चित रूप से अलग लड़के हमें 24 घंटे में तो 80 टिकट तय करने पड़े 288 में से, लेकिन 122 सीट जीते, वो एक अलग विषय था। इस बार समझौते के साथ लड़े हैं। अब ये सीटें निश्चित रूप से थोड़ी कम आई है, कहाँ कमी रही, कैसे कमी रही है, काफ़ी बागी भी जीते हैं, दोनों तरफ के बागी जीते हैं, शिवसेना के भी जीते हैं, बीजेपी के भी जीते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि देवेंद्र फडणवीस 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। अभी अभी मेरी उनसे भी बात हुई है। निश्चित रूप से अब जब अलायंस होता है तो हर पार्टी की अपनी एक बार्गेनिंग भी होती है, डिमांड भी होती है और पब्लिकली कुछ अलग बोला जाता है। हर दल चाहेगा कि हम हमारी बात प्रेस के माध्यम से जनता के बीच में रखें, लेकिन जब अलायंस साथ बैठता है, टेबल पर बैठता है तो निर्णय होता है। मुझे लगता है एक दो दिन में सारा चीज क्लियर हो जाएगी। और ये मान के चलिए कि जिस प्रकार की चर्चा आप लोग चला रहे हो ऐसी कहीं चर्चा नहीं हुई थी। हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एग्जैक्ट क्या शब्द थे वो मेरे पास नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना के अलायंस को पूर्ण बहुमत का मैंडेट दिया है और निश्चित रूप से 5 साल के लिए स्थायी सरकार बनी है और देवेंद्र फडणवीस 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा में जैसी उम्मीदें थी एग्जिट पोल थे वैसा नहीं दिखाई दिया, कुछ कमी तो रही? नहीं, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हरियाणा में कमी रही है, जिस प्रकार के आप लोगों ने भी सर्वे किए हैं। देखिए, मुझे जो लग रहा है कि कहीं न कहीं पार्टी इनमें संवाद और स्नेह की कहीं मुझे लगता है थोड़ी दूरी बढ़ी है, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं से जितना स्नेह संवाद होगा तो नीचे जानकारी भी आती है, लेकिन क्योंकि वो भी मेरे पास था नहीं तो बहुत ऑथेंटिक मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कमी रही है। ऐसा नहीं लगता था कि हम एकदम पिछली बार से भी 7 सीट कम आ जाएंगे, लेकिन जो भी जिसके जुम्मे हैं विश्लेषण करना चाहिए। पार्टी को निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी जहां कमी रही है उसका और पार्टी करती है, हर बार करती है। आप नहीं मानते कि देवेंद्र फडणवीस साहब हो या फिर खट्टर साहब हो, दोनों से परे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की स्ट्रेटेजी काम आई। वो उनकी लोकप्रियता की भले ही कितनी ही बात करें, लेकिन उनकी लोकप्रियता एक तरफ और उन दोनों की लोकप्रियता के लिए 370 ही भारी रही। देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता तो अब दुनिया में भारी हो गई है। मोदी जी अब की तुलना किसी हम में से या प्रदेश या दिल्ली में या दुनिया में नहीं की जा सकती। रशिया, अमेरिका, जापान, चाइना तक मानने लग गए मोदी जी की तो लोकप्रियता है ही निश्चित रूप से। और मोदी जी की लोकप्रियता का देश को, पार्टी को, प्रदेश को लाभ हो रहा है। आप देखिए 370 पे कांग्रेस भी 2 फाड़ हो गई थी। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।